वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जिसके एरियाज जो थे उनके बारे में क्या है अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो उसी से वहीं से अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। एरिया कौन से, जैसे कि सेंसरी एरिया थे, स्मेल के थे, वहीं से अपन क्या है फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एरियाज की बात कर रहे थे, तो अपन एरियाज में क्या थे, सेंसरी एरिया, ठीक है, सेंसरी, स्पीच एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी स्मेल एरिया, टेस्ट, विजुअल, ये सारे के सारे क्या थे इसके एरियाज थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, बेसल न्यूक्लेई। बेसल न्यूक्लेई में क्या होता है, दीज आर एरिया ऑफ ग्रे मैटर। जो बेसल जो न्यूक्लेई है वो किस टाइप का एरिया है, दीज आर अराइज ऑफ ग्रे मैटर लाइंग डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद कनेक्शन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। तो बेसल निकले कहां पर रह जाता है, ऑफ ग्रे मैटर लाइंग डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद द कनेक्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। किसके साथ कनेक्शन होते हैं इसके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस के साथ क्या है इसके कनेक्शन होते हैं। द बेसल निकले फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट एंड आर थ्रू टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएट मसल स्टोन इन स्लो एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। जो बेसल न्यूक्लियाई है फॉर्म ए पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसका क्या पार्ट है, एंड आर थ्रू टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग म्यूकस मसल स्टोन इन स्लो एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। इफ कंट्रोल इज इनएडिक्वेटेड और एब्सेंट, मूवमेंट आर जर्की एंड अनकंट्रोल्ड। अगर ये जो कंट्रोल है वो क्या है, इनएडिक्वेट हो जाएगा और एब्सेंट हो जाएगा, तो वहां पे क्या है जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बेसल न्यूक्लियाई है, बेसल न्यूक्लियाई में क्या होता है, दीज आर अराइज ऑफ ग्रे मैटर लाइंग डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद कनेक्शन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। बेसल न्यूक्लियाई फ्रॉम पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक एंड आर थ्रू टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग म्यूकस मसल स्टोन इन स्लो एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। इफ द कंट्रोल इज इनएडिक्वेट और एब्सेंट, मूवमेंट आर जर्की, क्लम्प्स एंड अनकोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या है, थैलेमस इज कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्व सेल। जो थैलेमस है वो किससे बनता है, दो मास सेल
ऑफ नर्व सेल से बनता है एंड फाइब्रस सिचुएटेड विद द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर में क्या है वो सिचुएटेड रहता है। तो थैलेमस कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर। जो थैलेमस है वो क्या है? दो मास सेल और फाइब्रस से मिलके क्या है? बनता है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ रहता है? विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर क्या है? सिचुएटेड रहता है। जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। कहाँ पे पोजीशन क्या है? जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के क्या है? प्रत्येक साइड के अंदर सिचुएटेड रहता है। सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन विस्रा एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड टू द थैलेमस बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द सेरिब्रम। तो जो अपने सेंसरी इनपुट है वो कहाँ से? फ्रॉम स्किन। स्किन से विसरा एंड स्पेशल सेंसेस ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड टू द थैलेमस बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द सेरिब्रम। थैलेमस में क्या होता है? द थैलेमस कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर सिचुएटेड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स। सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन विस्रा एंड स्पेशल सेंसेस ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड टू द थैलेमस बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन और टू द सेरिब्रम। नेक्स्ट आता है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? द हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ नर्व सेल। जो थैलेमस है उसके अंदर क्या है? दो सेल और एक क्या है? नर्व फाइबर होता है। और इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल जो है नर्व सेल है उनसे क्या है ये बनते हैं। इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है? सिचुएटेड रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या है? एक यूनिट की तरह काम करते हैं। द हाइपोथैलेमस इज लिंक्ड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर। जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या है? लिंक रहता है किसके साथ? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। बाई किसके द्वारा? नर्व फाइबर के द्वारा। एंड टू द एंटीरियर लोब बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो इसका एंटीरियर लोब है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ क्या है? ब्लड वेसल्स का जो कॉम्प्लेक्स है ग्रुप है उनके साथ क्या है वो सिचुएटेड रहता है। थ्रू दीज कनेक्शन द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द आउटपुट ऑफ हॉर्मोन फ्रॉम बोथ लोब ऑफ ग्लैंड। ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन से क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या है? कंट्रोल करता है किसको? आउटपुट ऑफ द हॉर्मोन। जो हॉर्मोन्स है उनके आउटपुट को क्या है? कंट्रोल करता है। बोथ लोब ऑफ द ग्लैंड, दोनों जो लोब है ग्लैंड के तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है? कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल। हाइपोथैलेमस क्या है? कंपोज होता है किससे? नंबर ऑफ ग्रुप नर्व सेल से। यानी कि इसके अंदर नर्व सेल्स के क्या है? ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। द हाइपोथैलेमस इज लिंक टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट रहता है। तो जो इसका पोस्टीरियर लोब है वो किससे होता है? नर्व फाइबर से होता है। और जो एंटीरियर लोब है वो किससे होता है? जो अपनी ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स है उससे क्या है वो कनेक्ट रहता है। ये जो दोनों के दोनों कनेक्शन है, ठीक है,
इन पे कंट्रोल किसका रहता है? हाइपोथैलेमस का रहता है। जितने भी हार्मोन्स जो सीक्रेट होने हैं उनका सारा का सारा कंट्रोल किस पे रहेगा? हाइपोथैलेमस पे रहेगा। अदर फंक्शन विच द हाइपोथैलेमस इज कंसर्न इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एपेटाइट एंड स्टडी, थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशनल रिएक्शंस, प्लेजर, फियर, सेक्सुअल बिहेवियर इंक्लूडिंग मेटिंग एंड चाइल्ड बियरिंग, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ सर रिदम, स्लीपिंग एंड वॉकिंग साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एंड सिक्रेशन ऑफ द सम हॉर्मोन्स। जो इसके अदर फंक्शन है हाइपोथैलेमस के वो क्या क्या हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इसका कंट्रोल होता है, ठीक है, एपेटाइट पे, थ्रस्ट और जो वाटर बैलेंस है उस पे, बॉडी टेम्परेचर पे, इमोशनल रिएक्शंस पे, सेक्सुअल बिहेवियर पे, मेटिंग हो गई, चाइल्ड बियरिंग हो गया, ठीक है, इन सब पे क्या है जो अपना हाइपोथैलेमस है उसका कंट्रोल होता है, इसके फंक्शन है। जो हार्मोन बैलेंस है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? अपना हाइपोथैलेमस पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक यूनिट की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन
सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट बिटवीन द सेरिब्रम अबव एंड द पॉन्स बिलो. जो मिड ब्रेन है वो क्या है, किसका एरिया है, ब्रेन का एरिया है. ठीक है, सिचुएटेड किस पे रहता, किसके अराउंड रहता है, सेरिब्रल एडुकेट और बिटवीन किसके बीच में, सेरिब्रम एंड सेरिब्रम अबव एंड द पॉन्स बिलो. सेरिब्रम और पॉन्स की क्या है, बीच के अंदर क्या है, मिड ब्रेन जो है वो सिचुएटेड रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर. किससे कंसिस्ट होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है उससे क्या है ये कंसिस्ट होता है. एंड नर्व फाइबर विच कनेक्ट द सेरिब्रम विद लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड. द सेल बॉडीज एक्ट एज ए रियल स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर. जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन किसका एरिया है, ब्रेन का एरिया है. कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, सेरिब्रल, और जो अपना सेरिब्रल एडुकेट और पॉन्स है उन दोनों के बीच के अंदर क्या है, रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर विच कनेक्ट द सेरिब्रल विद लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड. लोअर पार्ट किसके साथ कनेक्ट रहता है इसका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ. द सेल बॉडीज एक्ट एज ए रियल स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर. नेक्स्ट अपना है पॉन्स. द पॉन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा. जो पॉन्स है वो क्या है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम. कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा. तो पॉन्स की पोजिशन क्या हो गई, फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा. ये क्या है, पोन्स की पोजिशन हो गई. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर विच फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम. ये किससे बनता है, मेनली नर्व फाइबर के साथ. विच फॉर्म ए ब्रिज, जो क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिबेलम. सेरिब्रम के बीच में क्या है, ब्रिज बनता है. एंड ऑफ फाइबर पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देर आर ग्रुप ऑफ सेल विद इन द पॉन्स विच एक्ट एज रियल स्टेशन एंड सम ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द क्रैनियल नर्व. ये जो ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विद इन द पॉन्स विच एक्ट एज स्टेशन एंड सम ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द क्रैनियल नर्व. किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ये क्रैनियल नर्व के साथ.
द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द सेरिब्रम. जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफर होती है फ्रॉम दैट ऑफ द सेरिब्रम इज इन दैट द सेल बॉडी इज ग्रे मैटर लाइक डीपली एंड नर्व फाइबर आर ऑन द सरफेस. जो ग्रे मैटर है सेल बॉडीज है वो क्या है, डीप होती हैं, और जो नर्व फाइबर है वो क्या है, सरफेस पे होते हैं. तो पोन्स जो है, पोन्स क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर विच फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिबेलम एंड ऑफ फाइबर पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. दीज आर ग्रुप ऑफ सेल विद द पोन्स विच एक्ट एज रेडियो स्टेशन एंड सम ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द क्रैनियल नर्व. द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सेरिब्रम इन दैट द सेल बॉडीज ग्रे मैटर इज डीपली एंड द नर्व फाइबर आर ऑन द सरफेस. जो अपना ग्रे मैटर है वो क्या है, डीपली होता है, और जो अपनी नर्व फाइबर है वो क्या है, सरफेस पे होती है. नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा. मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या है, द मेडुला ऑब्लिगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो. जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो. स्पाइनल कॉर्ड के बिलो तक क्या है, ये कंटिन्यूस होती है. इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम अबव द फोरमेन मैग्नम. 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, ये लॉन्ग होती है. इट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंट्रल फिशर्स.
किसके द्वारा मार्क होते हैं? सेंट्रल फीसिस के द्वारा। द आउटर एस्पेक्ट इज कम्पोज ऑफ व्हाइट मैटर। जो आउटर एस्पेक्ट है वो किससे बनता है? व्हाइट मैटर से। विच पास बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से पास होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। एंड ग्रे मैटर इज लाइक लाइज सेंट्रली। जो ग्रे मैटर है वो कहाँ पे स्थित रहता है? सेंटर में। सम सेल कॉन्स्टिट्यूट रियरली स्टेशन फॉर सेंसरी नर्व पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरिब्रम। द वाइटल सेंटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एसोसिएटेड विद द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज लाइज इन डीपर स्ट्रक्चर। दीज आर कार्डिक सेंटर, रेस्पायरी सेंटर, वेजोमोटर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, मेडुला ऑब्लिगेटा है सेवरल स्पेशल फीचर्स। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है? जो स्पेशल फीचर्स है वो कौन से हैं, इनके बारे में अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।